32 वर्ष बीत चुके थे तब किसी हिंदुस्तानी नौजवान ने अपने देश के लिए एक स्वर्ण पदक हासिल किया। इतने सालों बाद 2004 के एथेंस पैरालंपिक गेम्स में देवेंद्र झाझड़िया दूसरे इंडियन एथलीट बने जिन्होंने भारत देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। 32 वर्ष के अकाल को खत्म कर देवेंद्र झाझड़िया ने 62.15 मीटर जेवलिन फेंककर पुराने 59.77 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर अपने भारत देश का नाम विश्व भर में रोशन किया। श्री देवेंद्र, एथलेटिक्स। एथेंस की कामयाबी की बदौलत देवेंद्र को 2004 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। श्री देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक एथलीट। 2012 में खेल क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा देवेंद्र झाझड़िया को भारत देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले देवेंद्र पहले इंडियन पैरालंपियन खिलाड़ी बने। देवेंद्र की जीवन शैली खिताबों, कीर्ति, पदक, पुरस्कार, उत्सव और खुशियों से भरी रही है। इस कहानी की असली शुरुआत हुई राजस्थान के चुरू जिले के एक छोटे से गांव झाझड़िया की ढाणी से, जहां देवेंद्र का जन्म 10 जून 1981 को हुआ। बचपन से ही बाकी बच्चों के मुकाबले देवेंद्र का स्वभाव नटखट और चंचल था। बचपन में हम बहुत मस्ती करते थे, आपस में शरारतें इतनी ज्यादा होती थी कि आपस में पिटाई इतनी जबरदस्त हो जाती थी कि कभी तो ऐसे लकड़ियों से पिटाई हो जाती थी, भाग के छुप जाया करते थे। और इनकी शरारतें कुछ ज़्यादा ही हुआ करती थी, जैसे कोई नॉर्मली बैठा है ना तो पीछे से जैसे किसी को छेड़ दिया, पीट के भाग गए, कुछ एक्टिविटी ज़्यादा ही रहती थी इनकी। ये छत बन रही थी तो ये ईंटों पर चढ़कर ऊपर चला गया, डरा नहीं इतना सा था जब। इधर चढ़ गया, उधर से उतर गया, पेड़ों पर चढ़ गया। बचपन में बदमाशियां तो बहुत करता था, उड़ती चिड़िया पकड़ लेता था, बांध देता था, छोटा था तो नटखट था। लेकिन यही नटखटपन एक दिन एक बड़े हादसे का कारण बना, एक ऐसा हादसा जिसने पूरे परिवार को झंझोड़ कर रख दिया। 8 साल की उम्र में एक पेड़ पर चढ़कर देवेंद्र ने बिजली का तार पकड़ लिया। तारों में दौड़ रही बिजली ने छोटे देवेंद्र का एक हाथ छीन लिया। इसका हाथ टच हो गया, वो हाथ जल गया और पैरों में से होकर उसी पेड़ में करंट चलता रहा, इसके पैर भी जल गए थे। और डॉक्टरों ने ताज्जुब किया कि बच्चा कैसे है, कि इसके सारे शरीर में जो है करंट चला है। जब यहाँ से मैं राजगढ़ गया हुआ था, वहीं सादुलपुर लेके गए इसको, पीछे मैंने देखा तो इसका हाथ जो है जैसे लंगूर के पंजे होते हैं ना काले बंदर के, वो एक हाथ की स्थिति वो हो गई थी। हड्डी बिल्कुल जल गई थी अंगलियों की और स्किन बिल्कुल जल चुकी थी, काली हो गई। उसके बाद में हम जयपुर ले गए, जयपुर डॉक्टर पांडे था एक स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने बोर्ड बैठाया। पहले तो उनको ये ताज्जुब हुआ कि बच्चा जिंदा कैसे बच गया। उसके बाद में उन्होंने निर्णय यही किया कि तो गॉड गिफ्ट है, अब इसका हाथ हटाना पड़ेगा नहीं तो ये फैल जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगी। मैं तीसरे रोज इसका ऑपरेशन था, मैं उस दिन गया, डॉक्टर मेरे पास आके बैठ गया कि चौधरी साहब आपके इस बच्चे में वैसे बच गया, ये इतना काफ़ी है, बाकी कोई गुंजाइश नहीं है, न ये मेंटली पूरा होगा न शारीरिक पूरा होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात करते हो आप, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ये बच कैसे गया, वो ईश्वर ने बचा दिया, अब ये क्या होगा कैसे होगा ऊपर वाले की निर्भर है। और मुझे कुछ सदमा जरूर लगा, लेकिन कुछ मैंने ये भी फील किया कि परमात्मा कुछ लेता है तो देता भी है, उसमें भरोसा था। घर पर ये नहीं बताया था कि इतना हाथ कट गया, किसी को पता नहीं था। कुछ दिन बाद जब ये वापस आया, सामने देखा कि इसका हाथ नहीं है, इतना कटा है, हमें तो 3 उंगली ही बताई थी। इसका हाथ कटा देखकर मैं तो यहाँ सामने आंगन में गिर गई, बेहोश हो गई देखकर। कौन शादी करेगा इससे और किस तरह से ये कमा कर खाएगा। रामायण तो बहुत मोटी हो गई है, बच गया पर बचा हुआ माना नहीं मैंने। ऐसा लगा ये एक हाथ का हो गया, अब क्या करें। फिर हिम्मत बांधी, सोचा पढ़ाई तो पूरी करने देते हैं, आगे देखा जाएगा जो होगा।
फिर ये थोड़ा थोड़ा खेलने लग गया। कोई बोला ये क्या खेलेगा एक हाथ वाला, तब मुझे ऐसा लगा अब ये क्या करेगा एक हाथ से। और गांव में एक बार तो ये हो गया था कि देवेंद्र खत्म हो गया, लेकिन मैंने राजगढ़ जाकर के जयपुर से सूचना प्राप्त की कि देवेंद्र जिंदा है और ठीक होगा। 8 साल की उम्र में इस हादसे ने देवेंद्र की खुशियां छीन कर उन्हें दी ढेर सारी कमजोरियां, लेकिन देवेंद्र ने अपनी कमजोरियों को अपना भाला बनाकर भेद डाला जिंदगी की जमीन को। जब मैं ठीक होकर के वापस मेरे गांव में आया, मेरे स्कूल में गया, तो बच्चे ऐसे समझते थे कि ये कमजोर है देवेंद्र, पर मुझे इतना ज्यादा नहीं मानते थे वो कि खेल नहीं सकता। तो मैंने समझा कि मैं क्यों नहीं खेल सकता, और जो मेरी कमजोर नहीं कहलाने की जिद ने ही मुझे स्पोर्ट्स में डाला, तो मैं और बच्चों के साथ में खेलता था। और फिर मैं 10वीं कक्षा में हुआ, जो मेरे गांव के पास रतनपुरा स्कूल है, वहां पे मैंने देखा बच्चे कोई दौड़ रहा था, कोई खेल रहा था और खेल, कोई जेवलियन फेंक रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं करूं। तो मैंने जेवलियन थ्रो को अपनाया, तो मेरे पास जिस टाइम में जेवलियन थी ही नहीं, तो मैंने एक लकड़ी ली और एक भाले की नोक लेकर के आया मैं, वो दिन आज भी याद है। और मैंने वो लकड़ी बनाई, उस लकड़ी से मैंने उस भाले को तैयार किया, और पहली दफा मैंने इसी ग्राउंड में फेंकने की शुरुआत की उसको, कि मैं फेंक सकता हूँ। और जब हमारे स्कूल की टीम तैयार हो रही थी डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिए, तो मैं उसके लिए ट्रायल दी और मैं फर्स्ट आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। और हमारे पीटीए जी ने कहा कि जो फिजिकली टीचर थे, उन्होंने कहा भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने जाना है। तो मैंने घर वालों को आकर के कहा कि मैं खेलने जा रहा हूँ, तो घर वाले बोले आप कहाँ खेलने वाले जा रहे हो। मैंने कहा ऐसे ऐसे स्कूल में मैं फर्स्ट आ गया, अब डिस्ट्रिक्ट की हमारी टीम जाएगी। तो उस टीम में फिर मैं, मेरी मम्मी ने कहा बिल्कुल आप खेल के आओ। मेरे लिए बहुत अच्छी स्पोर्ट थी, क्योंकि उन्होंने तुरंत कहा मुझे कि आप खेल के आओ, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट का चैम्पियन बना, और उसके बाद मैं स्टेट खेलने गया 95-96। तो एकमात्र खिलाड़ी था जिस टाइम में जो रतनपुरा स्कूल से मैंने स्टेट खेला, जो मेरे गांव के पास की स्कूल थी। तो फिर मेरी रुचि बन गई स्पोर्ट्स में, कि मुझे अब लाइफ में करना है, और करना किस में है, मेरे को स्पोर्ट्स में करना है, मैं स्पेशल बनूंगा स्पोर्ट्स में। उसका हाथ कटने के बाद भी उसने खेल स्टार्ट किया है, बहुत बड़ी बात है। वो एक गाँव से बिलोंग करता है, वहाँ पर स्पोर्ट्स का कोई माहौल नहीं था, लेकिन उसने स्कूल में देखा कि उसने फुटबॉल से स्टार्ट किया, लेकिन फुटबॉल में उसको नहीं मज़ा आया, तो उसने जेवलिन थ्रो करते हुए देखा स्कूल स्टेट में, तो वो बोला कि नहीं मैं भी जेवलिन थ्रो ही करूँगा। उसने उसके बाद वहाँ से अपने गांव से ही स्टार्ट किया, और वो वहाँ से स्टार्ट करता हुआ, वहाँ पर कोई कोच भी नहीं था, ऐसी फैसिलिटी भी नहीं थी, उसने खेल भावना ही थी उसके अंदर, वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा। बहुत मना भी किया काफ़ी लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको बोला नहीं आप कर भी सकते हो अच्छा, लेकिन उसकी खेल भावना थी कि वो करता करता आज इस मुकाम पे है कि उसको सभी जानते हैं। दृढ़ संकल्प, मेहनत, इच्छा शक्ति, अपनी माँ का हौसला अफजाई और अपने प्रशिक्षणों के मार्गदर्शन से देवेंद्र अपना खेल सुधारते गए। सन 2000 में अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता जीत कर देवेंद्र ने कड़ी मेहनत और तपस्या के बदौलत अपने सामने एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने का लक्ष्य रखा। उनका क्या है कि गेम के प्रति जुनून बहुत ही ज़्यादा है। अब जैसे सुबह उठना होता है तो वो हमें बाय द वे हम कभी कह भी देते हैं यार आज थोड़ा मूड नहीं है, नहीं आज नहीं चलना, तो वो ज़बरदस्ती उठा के ले जाया करते थे, नहीं ग्राउंड तो चलना ही पड़ेगा, जैसे 4 बजे का टाइम है तो 4 बजे चलना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी धुंध हो, कितना भी मौसम ख़राब हो, उनको तो ग्राउंड पर ही जाना ही जाना है। ग्राउंड पर जाके पूरी एक्टिविटी, ये नहीं कि आप बीच में छोड़ सकते हो, जैसे 3 घंटे तैयारी करनी तो 3 घंटे करनी है। अच्छा जुनून है, जोश है, मतलब उनको कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम इस समाज से मतलब अलग हैं। उन्होंने इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया है। हमने देखा कि वो अच्छे से मतलब जो चीज़ हम एबल वाले करते हैं वो उनसे बढ़कर करते हैं, पूरा ट्रेनिंग टाइम हमारे साथ करते हैं, कभी भी मतलब
ये नहीं देखा कि ईमानदारी से वर्क करते हैं सर पूरा, उन्होंने मेहनत में कभी चोरी नहीं की, बस इसी वजह से सफलता मिली है सर उनको। इतना सा था जब ये तब से बोलता था कि मैं खेल में नाम रोशन करूंगा, बचपन से इसे ये मालूम था। ये ग्राउंड अब तो साफ हो गया, पहले गोकरू कांटे बहुत थे, सारे पाँव में कांटे लग जाते थे, पर प्रैक्टिस नहीं छोड़ता था। शिक्षा के मामले में सामान्य थे, खेल के मामले में बचपन से रुचि थी। भगवान की मर्जी थी, वो तो कौन किसको टाल सकता है, लेकिन फिर बाद में इनकी लगन इतनी तकड़ी हुई, धीरे धीरे इन्होंने भाला फेंकना शुरू कर दिया। फिर अपने गांव में भी इन्होंने अपना मैदान बना लिया और वहां पर इन्होंने शुरुआत कर ली अपने भाले फेंकने की, धीरे धीरे से एक हाथ से। तो हमने देखा कि कोई ज़्यादा नहीं है, ये बच्चा सामान्य ये विकलांग है तो क्या करेगा, लेकिन इनकी लगन और मेहनत ने इतनी, मतलब इनको लगन थी, इतनी मेहनत की इन्होंने कि आज इस मुकाम पर हैं कि गांव नहीं हमारे राज्य का और देश का भी नाम इन्होंने रोशन किया है। देवेंद्र पूरी लगनशील और लक्ष्य को लेकर के चलने वाला खिलाड़ी है और वही खिलाड़ी सफल होते हैं लक्ष्य जैसे अर्जुन की तरह उनके सामने। अर्जुन को सिर्फ निशाना साधने में चिड़िया नहीं, केवल चिड़िया की आंख नजर आती थी, उसी तरह है देवेंद्र जाजड़िया को मेडल नहीं केवल गोल्ड नजर आता है। हम एक बार खेलने गए थे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, तो उस टाइम देवेंद्र भी था, तो उस टाइम स्पोर्ट्स में पैसा नहीं था, तो आर्थिक रूप से काफ़ी घर से भी हम लगभग ऐसे नहीं रहे पैसे वाले, तो उसके थ्रोइंग शूज फटा हुआ था, तो उस पर उसने बहुत शर्म आ रही थी, तो मेरा भी फटा हुआ था, वो मुझे देख के हंसने लगा। मैं बोला देवेंद्र क्या हुआ, बोले मैं काफ़ी देर से शर्मा रहा था कि सभी अच्छे अच्छे से थ्रोइंग शूज डाल के घूम रहे हैं और मेरा फटा हुआ है, लेकिन आपका फटा हुआ देख के मुझे लगा कि हाँ मेरे जैसा कोई तो है यहाँ पर, तो मुझे वो काफ़ी आज तक याद हो वाकई। उसके साथ मैं अच्छा फ्रेंडली रहा हूँ काफ़ी, मेरा अच्छा मित्र भी था, हम बातें करते थे, वो बोलता था कि यार मेरा तो हाथ नहीं है, पता नहीं मुझे तो जॉब मिलेगी नहीं, हाथ नहीं है पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स से बहुत प्रेम है, मैं स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ। वर्ष 2002 में देवेंद्र ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया और न सिर्फ स्वर्ण पदक हासिल किया बल्कि देवेंद्र ने पिछला रिकॉर्ड तोड़कर 2004 के एथेंस पैरालंपिक्स में अपनी जगह बनाई। छोटी सी उम्र थी, पहला इंटरनेशनल टूर, पहला फॉरेन में जाना, आज भी वो याद है, मैं फोटो देखता हूँ तो मुझे एक अलग फीलिंग आती है। आज मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाता हूँ इतना वो नहीं है, वो दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद मैंने 2003 में ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में मैं फिर गया और उसमें मैंने गोल्ड मेडल ही नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। वहाँ पे फिर मुझे इंग्लैंड से ऑफर भी मिला खेलने के लिए कि आप हमारी तरफ से खेलो, हम आपको खिलाएंगे, पैसा देंगे। तो मैंने कहा खेलना है तो सिर्फ मुझे मेरी कंट्री से खेलना है, बाकी मैं कहीं से नहीं खेलूँगा। और उसके बाद मैंने 2004 जो एथेंस पैरालंपिक्स थे उसका मैं भारतीय टीम का ध्वजवाहक भी था और मुझे सोच लिया मैंने कि यहाँ पे मेरे देश की राष्ट्रीय धुन बजनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड मेडल आने पे ही राष्ट्रीय धुन बजती है। 2004 में भारत देश के पदक सूखे का अंत कर एथेंस पैरालंपिक्स में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतकर देवेंद्र ने 62.15 मीटर का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये विश्व रिकॉर्ड आज भी सिर्फ देवेंद्र के नाम पर ही दर्ज है। किसी भी देश के पदकों की गिनती सामान्य और पैरा खिलाड़ियों के पदकों को मिलाकर होती है। 1972 में पैरा खिलाड़ी CFN मुरलीकांत पेटकर ने फ्रीस्टाइल स्विमिंग में स्वर्ण पदक जीता था और फिर 32 साल बाद भारत देश ने अपना पहला स्वर्ण पदक देवेंद्र के जरिए जीता। अब मेडल आए, ओलंपिक मेडल आ गया 2004 में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सिल्वर मेडल, ये गोल्ड मेडल विद वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ मीडिया में कोई हलचल नहीं। हर मीडिया वाले पेपर ने दो दो लाइन में छाप दिया, कोने में कहीं किसी ने देखा ही नहीं। मैं जयपुर था, जयपुर गया हुआ था, वहीं से मैंने ये न्यूज़ सुनी। जब ये इतना दूरसंचार विभाग भी इतना मजबूत नहीं था, इससे बात हुई तो उस समय हमारी मदद सिर्फ मीडिया में महानगर टाइम्स अखबार छपता है मालवीय नगर से, गोपाल शर्मा है उनके मालिक, उस आदमी ने हाईलाइट किया हमारी मदद की, और यूनुस खान मंत्री ने, यूनुस खान से जब मिलने गए थे पहले, जब ये जा रहा था मंत्री जी से विदाई लेने, उसको पता नहीं था, मंत्री जी ने गए तो बुलेटिन देख के गए तो ओलंपिक खेलने जा रहा है, क्यों जनरल ओलंपिक खत्म हो लिए थे,
मौजी ओलंपिक ही जा रहा है, बोले मुझे पहले बताते मैं धूमधाम से विदा करता इसको। तो ये लड़का खुद ही बोला साहब मेरे आने पे कर देना, मैं वापस आऊँ तो कर देना। तो उसने कहा भाई वापसी तो करना तो रिजल्ट पर होता है। तो इसने एकदम घूम के कहा कि मैं चांदी का टुकड़े लाने नहीं जा रहा, सोना लेके आऊँगा। तो ये चला गया साहब, उसके बाद में मेडल आ गया। 3 दिन बाद बीबीसी ने एक वेबसाइट जारी की इसकी अपने चैनल पे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मतलब वर्ल्ड की खबर तो ये है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है, ओलंपिक गोल्ड मेडल है, वो चर्चा है संसार में, भारत में है। गांगुली खेलेगा नहीं खेलेगा, वो खेलेगा क्रिकेट से कोई बात नहीं है, वो भी गई कहीं रिपोर्ट वो। उसके बाद मार्केट आई मीडिया। फिर यूनुस खान ने तय की बात कही थी कि मैं वापसी अच्छी कर दूंगा, वाकई उसने वापसी अच्छी की। अब्दुल कलाम ने इसको एक स्पेशल अवार्ड दिया है, वो या तो ध्यानचंद को दिया हुआ है या इसी को मिला है, और नहीं दिया किसी को। उसने ज़रूर इसको हाईलाइट किया और ये मान्यता मिली। पहले तो हमसे कहा आधा ले लो, 30 लाख होते हैं गोल्ड मेडल के, आधा ले लो, 15 ले लो। भाई क्यों ले लें 15? तो मानव अधिकार आयोग से, राष्ट्रपति से, इधर उधर से हमने लेटर लिखवाए, फिर आखिरी वो जो है मान्यता मिल गई। उसके बाद में झगड़ा ख़त्म हो गया, जब खेल के आता है पैसे मिल जाते हैं, लेकिन पहले बड़ा संघर्ष करना पड़ा है इसके लिए। अब जैसे हम कहीं जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है कि देवेंद्र झाझड़िया का, मैं बताता हूँ, मैं बहुत गर्व होता है मुझे कि मैं देवेंद्र झाझड़िया का भाई हूँ, तो बहुत अच्छी फील होती है। और जब भी कभी मेडल देते हैं तो न्यूज़ आती है, अखबार में देखते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। क्योंकि एक तो ये कारण कि हमारा छोटा सा गाँव है, तो छोटे से गाँव से निकल के इतनी ऊँचाई पाना हमारे लिए, जीरो से शुरू किया हुआ है, अब जीरो से आप अगर इतना ऊपर जाओगे तो हमें बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा हो गया, आज देखो हर जगह नाम पेपर में आता है मेरे भाई का, जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं थी। खूब खुशी होती है, बीमार होती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। घर में गांव में लोग बताते हैं कि तेरा भाई जीता है, आज अखबार में खबर आई है। इतना है कि मैं खुद नहीं पढ़ सकी, दूसरों से पूछना पड़ता है कि क्या लिखा है, कभी तो फोटो देखकर ही खुश हो जाती हूँ। बस इतना गम है कि मैं अनपढ़ हूँ तो अपने भाई की पूरी खबर नहीं जान पाती। आज सबसे ऊंचा हो गया एक हाथ का। कितनी खुशी होती है सबको। मैं इंतजार करती हूँ कि अब आएगा। खेल कर आता है जब, बहुत खुशी होती है। हॉस्टल में हमारे बच्चों में खूब खुशी मनाई, और आज भी हमारे बच्चों में या यहाँ हॉस्टल में आता है तो सारा शहर भी जानता है उसको। शहर में खूब हमारे यहाँ जुलूस निकाले हैं जगशीर, देवेंद्र, इन सब के। 2004 के बाद 2008 और 2012 के ओलंपिक में से F46 वर्ग हटा दिया गया। उसी कारण भारत ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों को भेजने में असफल रहा। लेकिन इन नकारात्मकता ने इस दृढ़ संकल्प वाले खिलाड़ी को कभी निराश नहीं किया। देवेंद्र ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए, देवेंद्र अपनी मंजिल तक पहुँच कर ही रहते हैं। उनका यही जज्बा दूसरों को हमेशा प्रेरणा देता है। परिस्थितियाँ और पैसे की बात तो बाद में होती है, पहले आपके अंदर जुनून होना चाहिए। वो परिस्थितियाँ हो सकती हैं खिलाफ हो, यदि आप एक अनुशासन में रह करके मेहनत करेंगे तो मैं मानता हूँ रिजल्ट बिल्कुल आएगा। बहुत ही खुशी होती है उनको जब पहली बार उन्होंने 2002 के अंदर खेला था शायद, उसमें गोल्ड मेडल लिया था, और जब इंडिया का झंडा फहराया था तभी उनको बहुत खुशी हुई थी। हमको भी बहुत खुशी होती है जब वो मेडल आते हैं। वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं सर, हर छोटे बच्चे और बड़े के साथ हंसी मजाक से ही बोलते हैं, और बहुत ही शर्मिले स्वभाव के हैं आप। अच्छे हंसी मजाक और साथ में खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, मतलब ये कभी महसूस नहीं हुआ कि वो इतने बड़े प्लेयर हैं और हम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उनकी जो प्रेरणा है ना, बच्चों को ये लगती है कि वाकई में अगर ये कुछ कर सकते हैं भाई, एक हाथ से आदमी अगर इतना कर सकता है। हम जैसे करते थे साथ में तो कुछ एक्टिविटी ऑलराउंड एक्टिविटी होती हैं, जैसे आप लॉन्ग जंप कर रहे हो, हाई जंप कर रहे हो, अब जैसे हमारे क्या यहाँ टीले हैं तो टीलों में एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज में वो हमसे आगे करते थे हर एक एक्टिविटी में। अब जैसे 100 मीटर करते थे हम, तो 100 मीटर में वो मेरे से बिल्कुल, चाहे जितना भी आगे जाओ मेरे से आगे जाते थे हर एक्टिविटी में। हम जब क्रिकेट खेलते थे कभी फ्री टाइम में, जैसे आज का ऑफ है अपना, आज जैसे संडे है तो आज अपन ग्राउंड जैसे क्रिकेट खेल लेते हैं, तो क्रिकेट में भी वो बड़े बेहतरीन बॉलिंग किया करते थे, बड़े जबरदस्त खेलते थे, बड़े शांत स्वभाव के, मतलब कभी गुस्सा नहीं होते।
जैसे मेरे को कभी कोई गुस्सा आ गया ना तो भी कहते हैं नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, जैसे दिमाग खराब हो जाता है। देवेंद्र जाजड़िया जी हैं, वो पैरालंपिक्स के एक बहुत बड़ा नाम है, 2004 एथेंस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, अच्छे इंसान हैं, हर खिलाड़ी की मदद ही करते हैं और स्पोर्ट्स में तो उनका कोई सानी नहीं है। पहली बार जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर मिले थे, उस टाइम वो जेवलिन करते थे, मैं भी जेवलिन करता था एवल बॉडी के अंदर, तो वो हमको बहुत गाइडेंस करते थे, थोड़ी टेक्निक भी बताते थे और मेरे को तो अभी तक उन्होंने गाइडेंस किया है। तो राजस्थान का है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग उनकी, क्योंकि एक उसने ही राजस्थान में एक पैरा को जगाया है, मेडल लेके आया है। अब आगे भी हम चाहते हैं कि वो पैरा एथलीटों को गाइड करे। एक इसके आने से राजगढ़ से हमारे पास कम से कम 10 स्टूडेंट्स आके गए जो कि देवेंद्र का नाम ले देते थे आके, भी सर देवेंद्र ने भेजा है तो मैं उनको यहाँ हॉस्टल में रख लेता था और वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के और अच्छा जॉब लेके यहाँ से जाते थे। बहुत मुझे अच्छा फील होता है, बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे एक शख्स का कोच हूँ और दोस्त भी रहा हूँ। मैं उसको सिखा तो रहा हूँ लेकिन मुझे भी कुछ बहुत सीखने को मिल रहा है उसके साथ में। उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू गेम किया, 2006 एशियन गेम्स में फिर मैंने गोल्ड मेडल लिया, 2009 वर्ल्ड गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल लिया और उसके बाद मुझे थोड़ी सी घुटने में प्रॉब्लम हो गई थी, नी में इंजरी आ गई थी मेरे और थोड़े दिन मुझे गेम से बाहर भी होना पड़ा और लोगों ने ये मान लिया कि लगभग अब तो इसका गेम समाप्त हो गया क्योंकि लंबा कर लिया इसने 2002 से 2010 तक। लेकिन मैंने कहा कि मैं और करूँगा गेम, अभी मैंने घुटने का ट्रीटमेंट लिया, रेस्ट दिया और उसके बाद फिर तुरंत ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेरा 2013 में इवेंट आया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल ही नहीं, मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप का नया रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। लंबे अरसे के बाद अपनी कमजोरियों को मात देकर और अथक परिश्रम के बलबूते पर 2013 की विश्व चैंपियनशिप लियोन फ्रांस में देवेंद्र ने फिर एक बार भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। पैरा और सामान्य वर्ग का ये एकमात्र स्वर्ण पदक था। मैं ये मानता हूँ स्पोर्ट्स में मेरा अच्छा करियर रहा है और इसमें बहुत से लोगों का योगदान रहा है, जैसे मेरे पर्सनल कोच थे आरडी सिंह जो 2004 में थे, मेरे फिजिकल टीचर थे अमर सिंह जी, उन्होंने ओपनिंग दी। तो मैं मानता हूँ ये मेरे लिए एक रास्ता था, बहुत से लोगों का योगदान रहा इसमें। और मेरे पास तो जेवलिन नहीं थी तो मुझे अमेरिका से जो NRI थे रामस्वरूप जी आर्य, उन्होंने वो जेवलिन अवेलेबल करवाई क्योंकि मैं तो बांस की जेवलिन या काठ की जेवलिन फेंकने वाला था, मेरे पास मेड इन स्वीडन की कहाँ थी जिस टाइम में जेवलिन, वो लाखों में आती है। तो मैं मानता हूँ कि मेरा सफलता के पीछे बहुत से लोगों का योगदान है और स्पेशली मैं जो मेरे रोल मॉडल हैं, मेरी मदर है और स्पोर्ट्स में मैं ये मानता हूँ कि मिल्खा सिंह मेरे रोल मॉडल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम की रहेगी कि मैं अच्छा कर पाऊँ और रियो जो पैरालंपिक हो रहे हैं उसमें मैं एक बार फिर मेरा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके गोल्ड मेडल दिलाऊं इस देश को, मुझे ये उम्मीद है और इस उम्मीद पे मैं खरा उतरूंगा। जाजड़िया परिवार में उत्सव जारी है, ये सभी अपनी सफलताओं और खुशियों को मिलजुल कर मनाते हैं और आगे आने वाली नई सफलताओं की आशा करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार हम 2016 रियो में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके ओलंपिक में गोल्ड लेके आएंगे, यही हमारा टारगेट है, उसी पे हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनमें एक जुनून है जो हमने आज 2008 से लेकर अब तक देख रहा हूँ, अभी थोड़े एज्ड हैं लेकिन फिर भी सर जुनून की कोई कमी नहीं है। जैसे आज मैं उनको देखता हूँ तो मुझे वही देवेंद्र याद आता है जो 2003-04 में मैं देखता था। अब जैसे इस उम्र में भी उनके अंदर ये जुनून है कि मैं ओलंपिक में वही जेवलिन लगाऊं जो मैंने 2004 में लगाई थी, उससे बेटर लगाऊं। और जब जून का महीना होता है ना तो वे मतलब जयपुर में रहते हैं कभी कभी तो 50 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है ना, तो भी ये 3 बजे निकल जाते हैं तैयारी के लिए और जैसे अपने शरीर को वार्म करने के लिए मूव वगैरह कुछ लगाते हैं ना मेडिसिन वगैरह, तो उनसे शरीर में इतनी जलन लग जाती है कि मतलब अपन नॉर्मल नहीं लगा के धूप छाया में नहीं बैठ सकते और वो इतनी धूप में निकलते हैं वो लगा के और तैयारी करते हैं, तो हम कहते हैं कि आपको जलन नहीं हो रही, बोले मेरा टारगेट बड़ा है। रियो में मेरा टारगेट 66 के करीब है, 65-66।
इसके लिए हम स्ट्रेंथ वर्क कर रहे हैं अभी फिलहाल, वेट ट्रेनिंग पर खास हमारा ध्यान है, और रनिंग है, हेडल एक्सरसाइज हैं, और जेवलियन पर भी हम वर्क कर रहे हैं अभी। हार्ड वर्क चल रहा है हमारा, और रियो का हमारा टारगेट है कि हम रिकॉर्ड ब्रेक करके गोल्ड लेके आए, यही हमारा टारगेट है। आपको बता दूं कि ये जो थ्रोवर्स है, ये जेवलिन थ्रो हो, डिस्कस थ्रो हो, हैमर थ्रो हो या शॉर्ट पुट हो, ये लोग सब 30 के बाद नॉर्मली पीक करते हैं। तो ये जेवलिन थ्रो जो कि बहुत ही एक्सप्लोसिव इवेंट माना जाता है, जिसमें रिदम लगता है रनिंग के लिए, अब ही इज़ गेटिंग दैट रिदम आफ्टर रेगुलर ट्रेनिंग, और वो यदि अपना परफॉर्मेंस 62 जो उनका बेस्ट है वो रिपीट करते हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि मेडल मिलेगा हमको रियो में। देवेंद्र ने इच्छा शक्ति और मेहनत के बलबूते पर कई सफलताओं को छुआ है और अपने देश के नाम को उजागर किया है। अग्रणी उपलब्धियों के होते हुए भी देवेंद्र को वो प्रसिद्धि नहीं मिली है जिसके वो हकदार हैं। आज भी हमारे देश में कुछ चुनिंदा खेलों को ही बढ़ावा दिया जाता है, पर इन भेदभावों को भुलाकर देवेंद्र ने हमेशा सिर्फ अपने लक्ष्य के ओर अपना निशाना साधा है। 125 करोड़ की जनसंख्या में आज हमारे पास सिर्फ एक देवेंद्र ही है। अब वक्त है अपनी सोच को बदलने का, अपनी मानसिकता को बदलने का। अब भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी हैं। मैंने सार्वजनिक रूप से मेरी मन की बात में एक इच्छा प्रकट की थी कि क्यों ना हम ये विकलांग शब्द बदल करके दिव्यांग शब्द उपयोग करें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकलांग को दिव्यांग कहकर एक कदम आगे बढ़ाया है। अब उम्मीद है पूरे राष्ट्र के साथ देने की। हमारे राष्ट्र के अनसंग हीरोज के जीवन यात्रा पर रोशनी डालने के लिए हमारे HBN इंडिया चैनल की तरफ से ये एक छोटी सी पेशकश है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर इस पहल का हिस्सा बनें और हमारे देश के विकास में सहयोग दें। जय हिंद।